नंबर 8 दे वो गेदे हे ग्रां डगा दे विच डगा दे विच इसलै 50% लोग बीमार न। मैं ते चाहना जियां गनाडुआं दे विच जनाब ने उत्थे आनिया वो कीता है। एक दिन आप छुपाओगे तो जो ट्रीटमेंट आपकी एक दिन पहले शुरू होनी थी वो शायद आप स्किप कर जाएंगे। ऐसा ना हो जैसे जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कहीं कहीं प्रॉब्लम तो हायर लेवल पे आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि COVID-19 के दौरान जिस तरह से हमारे सामने आंकड़े जो दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। कोविड का इतना जोर है इस टाइम और लोग हर जगह पैनिक हैं, डरे हुए हैं कि आखिर हम अपनी अपनी जान कैसे बचाएं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की एक ग्रास रूट तक पहुंचने की एक रीच है कि डोर टू डोर जाके लोगों की मदद की जाए। इसी तौर पे हम देख रहे हैं लगातार जो अपॉइंट किए गए हैं ऑफिसर्स तहसील वाइज, अगर अखनूर की बात करें इस टाइम हम अखनूर में हैं और डगा एक यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे अभी हम आए हैं और डगा के गांव में हम देख रहे हैं कि काफी ऑफिसर्स जो हैं इस कोविड के दौरान अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन ये डोर टू डोर जो सर्वे हो रहा है इसी पे चर्चा करने के लिए, इसी को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे BLO संदीप जी हैं। सीधी बात उन्हीं से करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। हमने देखा कि गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि डोर टू डोर लोगों के घर जाके उनकी इस कोविड के दौरान मदद की जाए। ये किस तरह का सर्वे है और किस तरह का अगर देखा जाए तो इसका मोटो क्या है इस पूरे ड्राइव का? जी एक्चुअली हम ये बूथ लेवल पे एक सर्वे हो रहा है जिसमें एक हर एक पोलिंग स्टेशन पे एक जो BLO पॉइंट है वो उस पोलिंग स्टेशन में जितने भी उसके वोटर्स हैं और उनके घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के घर जाके उन पे उनसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी को कोई ऐसे सिम्टम्स हैं या किसी ने कोई टेस्ट करवाया है इसका या कोई पॉजिटिव है तो वो बताए। वो सारा डेटा हम एक ऐप है स्वास्थ्य निधि ऐप, उसमें सारा डेटा जो वो अपडेट कर रहे हैं और ये डेटा जो है आगे जाके मेडिकल ऑफिसर्स के पास जाता है और वो चेक करते हैं। अगर उनको हम यहाँ से किसी को भी पॉजिटिव या सिम्पेटिक बताते हैं कि किसी भी सिम्टम्स हैं तो वो इस इंसान के यहाँ पर आकर हेल्प करेंगे, उसको मेडिकल किट दी जाएगी, उसका टेस्ट होगा। और पूरा क्या क्या इसमें नोटिस किया जाता है? इसमें ये नोटिस किया जाता है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि क्या किसी ने टेस्ट करवाया कोई पॉजिटिव है या किसी ने टेस्ट करवाया लेकिन नेगेटिव है लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स हैं। और तीसरा है कि कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर हमें सिम्टम्स शो हो रहे हैं, बीमार है 3-4 दिन से भी बुखार आ रहा है। सर क्या ये सिर्फ पूछने पे ही है? क्या लोग असलियत छुपा तो नहीं रहे ऐसा कि कुछ ऐसा डरे हुए भी हैं कि कहीं हमें आइसोलेट सेंटर ना ले जाए? शायद इसी के चलते कुछ लोग झूठ भी बोल रहे होंगे कि नहीं हम लोग ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं। मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ साथ साथ में कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी सेंटर में ले जाया जाएगा, आपके घर पे ही आपको मेडिकल किट दी जाएगी और ये आपके बेनिफिशियल के अगर कोई पॉजिटिव होता है तो एक तो वो उसकी अपनी लाइफ सेव होगी अगर वो हमें बताता है और दूसरा उसकी पूरी फैमिली जो है वो सेव होगी इससे। जी सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि अखनूर में कोई आइसोलेट सेंटर अभी तक नहीं है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि वो पॉजिटिव है उसके साथ क्या किया जाता है, उसको कहाँ भेजा जाता है, कहाँ शिफ्ट किया जाता है? एक्चुअली ये काम मेडिकल का है लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अब इतना ज़्यादा ये फैल गया हमारे हिंदुस्तान में कि आइसोलेशन सेंटर्स में भी प्लेसेस नहीं हैं, ताकि बेड्स नहीं है ताकि हम किसी को वहाँ पे रख सके। तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप घर पे ही अपने आइसोलेशन में रहें और जो भी मेडिकल एड है वो उसको लें। सर आप यहाँ पे BLO अपॉइंट किए गए हैं, हमने हाल ही में देखा है कि BLO की जो ड्यूटी थी वो सिर्फ इलेक्शंस के दौरान ही आप लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन इस दौरान यहाँ पे हैं तो क्या आप की वैक्सीनेशन वगैरह भी हो चुकी है, आपके टेस्ट हो चुके हैं? एक्चुअली मैम मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं BLO नहीं हूँ। एक्चुअली जो जहाँ का BLO है वो खुद पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव हो चुका है लेकिन उसकी वाइफ जो है वो पॉजिटिव है और उसके साथ वो हॉस्पिटल में है। तो उसकी जगह पे मुझे उनके बिहाफ पे काम करने को बोला गया और जहाँ तक मुझे पता है BLO उसको ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया है, BLO उसको ऐसा कुछ नहीं दिया गया। और ये होना चाहिए जब हम लोग घर घर जा रहे हैं और हमें भी खुद ज़्यादा रिस्क है क्योंकि हम अगर पॉजिटिव लोग किसी के पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब कि एक दिन में आप कितने सर्वे जो आपका जो ड्राइव चल रही है कितने घर जो है वो आप एक दिन में कवर कर लेते हैं? एक्चुअली मैम ये 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये सर्वे जो है ये होना है, इन 4 दिनों के अंदर सर्वे होना है। तो हम अपने डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मेरे घर मेरे पास 220 फैमिलीज हैं
तो इस हिसाब से 50 या 60 फैमिलीज एक दिन में निकाल के या चार दिन में हम ये सर्वे कंप्लीट करके देना है। सर आपके पास पोलिंग स्टेशन नंबर कौन सा है? 105 के आप वहाँ से पोलिंग स्टेशन से आ पा रहे। सर एक चीज और हमारी जनता जो है अभी जानना चाहेगी कि जिस तरह से ये सर्वे चल रहा है, जिस तरीके से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको वैक्सीनेशन नहीं ली है, जिन्होंने अभी अभी हम देख रहे हैं कि 18 से 45 तक चल रहा है लेकिन स्लॉट्स भी बुक नहीं हो रहे हैं, क्या ऐसा भी होना चाहिए जिस तरह से आप सर्वे कर रहे हैं कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोसेस भी इसी तरीके से पंचायत वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज होने चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं लाइन में लग रहे हैं, अगर वहाँ से हो सकता है वहाँ से वो ये जो कोरोना वायरस अपने साथ लेके आए और घर पे इन्फेक्ट करें और खुद भी इन्फेक्ट हों, इससे अच्छा है ये वैक्सीनेशन जो है वो पंचायत वाइज होनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ पोलिंग स्टेशन वाइज मोहल्ला वाइज होनी चाहिए, हर एक घर पे जाके जो है ये इंजेक्शन जो है होने चाहिए। सर एक बात और पूछना चाहूँगी, आपकी ड्यूटी लगा दी गई पंचायत वाइज वार्ड वाइज, क्या आपके साथ कोई और भी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ और लोग भी अपॉइंट किए गए हैं या सिर्फ? बिल्कुल, मेरे साथ आंगनवाड़ी से मैडम जी हैं, ये हमारे साथ काम कर रही हैं, और हमारे साथ पंचायत लेवल वर्कर जो हैं हमारे पंच जी हैं, ये मेरे बिल्कुल साथ दे रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया सर। दोस्तों यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव किस तरह से रहा। अंकल जी के लगता है कि सरकार जेड़ी है कोविड के दौरान थोड़ा हाल चाल पूछने ताई थोड़े घर दुख कार आ दिए दरवाजे तक करा रही है तो अवेयर करा दिए? मैडम जी पहले तो मैं अपना तुम्हें रेफरेंस देना, मैं हर्ष कुमार शर्मा एक्स पंच पंचायत अम्बारा वार्ड नंबर 8 का, ये साढ़े कन्नै मौजूदा पंच ने इतों वार्ड नंबर 10 के गुड़ा तला के वकील चंद होर ये भी मेरे कन्नै इतने पंच ने इस पंचायत बच्चे। इसलिए अस तुम ये सुनाना चाहते हैं इसलिए अस गुड़ा तला खड़ोते रहे वार्ड नंबर 10 च, और थोड़े माध्यम कन्नै मैं सरकार अगे अपील करना चाहना, खासकर अखनूर के अंदर अपने BMO साहब की या SDM साहब की एक गल संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अम्बारा पंचायत दियाँ 11 वार्ड हैं और इसकी पापूलेशन जी है 5000 कसा उपर है, ये चाहते हैं कि हर ब्लाक के बच्चे पूरे हर पोलिंग स्टेशन उपर जाइए जेडे साढ़े कर्मचारी इतना डोर टू डोर आनिया करा करते हैं, मैं इनका भी तह दिलो ये शुक्रिया अदा करना और सरकार का भी करना कि ये जिन्हें डोर टू डोर जो अभियान चलाया, अस सुना करते हे दो तीन दिन पहले गवर्नर साहब की अपील भी सुना करते हे ते अखबारे में भी पढ़िया है, बड़ी खुशी की गल है, लेकिन तुसी पता साढ़े ग्रां दे लोग जड़े न अज तोड़ी अपना सही गल नहीं दसते हैं, एक तो लोगों की बड़ा डर है पता नहीं अगर अस पॉजिटिव होए जां अस कुसे आखिया असीं बुखार आ बाद ऐसा नहीं असीं उत्थे 14 दिन वास्ते जियां पिछला साल उत्थे सेंटर च लई जांदे हे, इहदे कसा बड़ा डर आ देन, ते मैं तुहाडे माध्यम कन्नै सरकार अगे अपील करना चाहना, साड़ी अम्बारा पंचायत दे विच दो मैडिकल सब सेंटर इत्थे एक दे वैक्सीनेशन जिहड़ी इत्थे होनी चाहीदी है वो बड़ा जरूरी है, अगर वैक्सीनेशन साड़ी पंचायत दे विच हो साढ़े सब सेंटर दे विच गुड़ा तला दे विच हो ते 100% लोगों की बेनीफिट मिल सकता और 100% वैक्सीनेशन हो जा, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि जिहड़ी वैक्सीनेशन है वो पंचायत वाइज होनी चाहिए, पंचायत वाइज होनी चाहिए क्योंकि इसलिए ना सोर साफ कुसा कोल गड्डी दा अखनूर जाने वास्ते कोई आटो नहीं चला चलता, मैटाडोर नहीं चला करती, कोई ट्रांसपोर्ट का है नहीं, जरिया नहीं, हर घर का कुसा कोल दे स्कूटर मोटरसाइकिल है नहीं, अगर होग भी वो एक की लेग दूगे लेग ग्राएं दे विच 10-10 जीव एक एक परिवार दे किन्ने की लेग जेडे बजुर्ग लोग ने वो बेही नहीं सकते, और इसलिए बिल्कुल सीजन चला करता बुखार आवा करता जुकाम आवा करता इे इस वजह कन्नै किन्ने जीवें एक बखी का गौरमेंट आखा करती सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, हाँ जी अगर दो आदमी मोटरसाइकिल उपर बिठाइए लेगे वो अगे तो ऑलरेडी बीमार ने जोड़ा चलाने वाला वह भी हो जा, मैं इस वास्ते थोड़े माध्यम कन्नै अस अपने आए अखनूर के SDM साहब अगे एक निवेदन करने BMO साहब अगे कि वैक्सीनेशन जी रूरल एरिए हर पंचायत से होनी चाहिए है, और एक ना एक सेंटर बनाई चाहे पंचायत घर बनाई उन्हें और चाहे साढ़ा गुड़ा तला सेंटर प्लेस है, क्योंकि एड्डी वीड्डी पंचायत है 11 वार्डा ने इस दियाँ, ये बड़ा जरूरी है, बाकी जरा तुम डोर टू डोर करा करते हो ये भी बड़ी अच्छी गल है, लेकिन 50% लोग साढ़े ग्रां दे लोग बेचारे साढ़े अनपढ़ इस वास्ते हर गल की दसी नहीं सकते हैं, अस इतों के लोगों अस पंच अस लोगों की समझा दे आखा भी करने लेकिन फिर भी लोग नहीं मनना है, अज सवेरा साढ़े दुए BLO साहब विजय कुमार वो वार्ड नंबर 8 दे गए थे ग्रां डगा दे बिच इसलिए 50% लोग बीमार न, मैं तो चाहना जियाँ गन्ना अड्डुआ बिच जनाब ने उत्थे आंदी टेस्ट स्टेशन की है चेकअप किया इं एक कैंप इतना लगना चाहिए और लोगों की पूरा
किट शिट आनी है उन्हें चेक करना है। लोग अपना अंदरूनी गल नहीं दसा करते, आखते नहीं अं कुछ नहीं, एक घर वो फोटो लगा खिंचन बीमार आखा महाराज फोटो नहीं खिंचाना, फोटो नहीं खिंचाना, इन्हें पता नहीं इन्हें इसमें चुकी असं उत्थे भेजी उड़ना, असें कुछ रोना 14 दिन उत्थे फाह फसे, कुछ पानी नहीं पिलाना, कुछ रोटी नहीं खिलानी। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ ही आगे तक लेने की। दोस्तों ये बात कर रहे थे, जिस तरह से हमने आपको पहले भी एक अपडेट दी है कि गंडारमा क्षेत्र में मैक्सिमम घर जो थे वो पॉजिटिव थे, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा, बीएमओ अखनूर द्वारा बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया, वहाँ पे ही जाके जो है उनकी टेस्टिंग हुई। इसी तरीके की ये लोग भी चाहते हैं, एक डगा क्षेत्र है जो यहाँ पे सामने बिल्कुल, वहाँ के भी कुछ लोग बता रहे हैं कि काफ़ी शंका है, वहाँ के कुछ लोग काफ़ी बीमार हैं, 10 केस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं डर है और सरकार से यही अपील करते हैं एक टेस्टिंग सेंटर जो है यहाँ पे डगा में भी लगाना चाहिए, जिससे जो लोग पॉजिटिव हैं वो सामने नजर आए। हमारे साथ यहाँ पे एक अगर बात करें, अभी सुपरवाइजर भी हमारे साथ अशोक जी यहाँ पे उपलब्ध हैं, उन्हीं से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस ड्राइव का क्या मोटो है और किस तरह से ये ड्राइव जो है आगे चलने वाली है। अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेलकम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर किस तरह की ये ड्राइव है और क्या मोटो, जैसे सर ने बताया भी कि इस ड्राइव का जो मोटो है, लेकिन हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, आप सुपरवाइजिंग कर रहे हैं इस फील्ड में, इस आपके पास अभी 12 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनमें, सर हमने सुना है कि BLO जितने भी अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे उनको भी वैक्सीनेशन कुछ नहीं है, लेकिन 3 BLO अभी हमें पता चला है कि वो भी बीमार हो गए, पॉजिटिव केस कोरोना पॉजिटिव आया है उनका भी रिपोर्ट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आप घर घर जाके इस टाइम जो है चेक कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों की वैक्सीनेशन होना कंपलसरी नहीं थी? आपको पहले प्रॉपर तरीके से पीपी किट्स वगैरह या प्रिकॉशंस ऐसे नहीं यूज़ करने चाहिए थे? हाँ देखिए मैम जी, जैसा आपने पूछा कि हाँ बिल्कुल मेरे पास 12 जो BLO हैं जिनकी सुपरविजन मेरे पास है, उनमें से 3 पॉजिटिव हुए, एक तो कल ऑन ड्यूटी था वो, तो तब मैंने उसको कहा कि आप की लग रहा है किसी ठीक नहीं है तो आप टेस्ट करवाओ, तो वो पॉजिटिव आया है। यहाँ तक इसका मोटो ये जो हम डोर टू डोर कर रहे हैं, इसका ये है कि जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का हमें बहुत खतरा है, अभी पूरी हमारी गवर्नमेंट भी इसके पीछे लगी, इसीलिए तो डोर टू डोर करवा रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने से हमारे एरिया में जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएँ, तो इसमें हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या कोई किसी के घर में कोई इन्फेक्टेड है या किसी ने टेस्ट करवाया है, अगर वो कहीं पॉजिटिव आया है तो हमारे पास ऐप है, हम उसको रेफर कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। आगे हायरार्की में हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं BMO और CMO साहब हैं, तो वो इसको वॉच कर रहे हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट उनके पास पहुँचती है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ तक आपने कहा कि BLO को वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ होनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट उस तरीके से प्लानिंग कर रही है, हो सकता है कि इनके लिए भी कुछ हो, जो 45+ हैं उनको तो वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन मेजॉरिटी BLO जो हैं हमारे बिलो 45 ईयर्स के हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे डोर टू डोर जा रहे हैं, कोई पता नहीं कौन इन्फेक्टेड है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ये तो है कि होना चाहिए। अभी आप 12 पोलिंग स्टेशन देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है इस ड्राइव के दौरान? दिक्कत तो कोई नहीं आ रही है, बस लोगों को चाहिए कि वो सच सच बता दें, ताकि गवर्नमेंट तक जो सही डाटा वो पहुंच सके, जो गवर्नमेंट का सही मोटो है उस तक वो पहुंच सकें। अगर कहीं छुपा कर रखते हैं तो फिर लास्ट स्टेज में जाकर कहीं फिर तो हॉस्पिटल जाना ही है, और तब तक वो कितनों को इन्फेक्टेड कर चुका होता है वो आदमी, इसका अंदाज़ा नहीं है जी। तो बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे BLO दिन रात काम करते हैं, हालांकि ये कितने से कितने बजे तक जो है ये ड्राइव रहती है पर डे? देखिए टाइम का तो इतना ज़्यादा नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हमारे BLO जो हैं सुबह लगते हैं और शाम तक, कुछ एक कल भी जैसे मैं तो बाहर ही रहता हूँ पूरे, अगर पोलिंग स्टेशन 12 हैं तो एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ देखते हैं वो दोपहर में भी कुछ खाना भी अपना दोपहर वाला मिस कर देते हैं, शाम तक लगभग लगे ही रहते हैं 6-7 बजे, क्योंकि हमारे पास दिन ही 11, 12 और आज का दिन 13 का है जी।
कुछ एक हैं हमारे। सर अगर कोई रह जाएगा तो? नहीं ऐसा नहीं, जो हमने जो डाटा हमारे पास है ऑलरेडी है, वो अपलोडेड है जी। वो सीरियल वाइज ऐसे निकलता जा रहा है, लेकिन हो सकता है वो गवर्नमेंट से इतना तो है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइम और दे दें। जैसे मेरे 3 BLO या पॉजिटिव आए हैं, उनकी जगह पर नए रिप्लेस करके उनको काम दिया हुआ है, तो उनको डेफिनेटली उनको ऐप चलाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, तो हो सकता है गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दे। सर अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इस दौरान आप हमारी आम जनता को आज कोई संदेशा देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपके चैनल के माध्यम के से देख रहे हैं, भाई ये छुपाने वाली चीज़ है नहीं, आज नहीं तो कल, अगर एक दिन आप छुपाओगे तो जो ट्रीटमेंट आपकी एक दिन पहले शुरू होनी थी वो शायद आप स्किप कर जाएंगे। ऐसा ना हो जैसे जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कहीं कहीं प्रॉब्लम तो हायर लेवल पे आ रही हैं, वहाँ तक बात ही ना पहुँचे, ताकि आप अगर घर में रहते हैं तो भी आप क्वारंटाइन रहें, और साथ में ये जो ड्राइव चल रही है इसमें बिल्कुल सच बोलते जाएं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सही डाटा मिले और उसके अकॉर्डिंगली वो आगे तैयारी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि पोलिंग स्टेशन वाइज, जैसे कि अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, 149 पोलिंग स्टेशन है और 149 यहां पे BLO अपॉइंट किए गए हैं, जो हर गांव में हर वार्ड में जाके लोगों को अवेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम गुड़ादला में हैं जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूं, और ये लाइव अभी विजुअल्स आपने खुद ही देखे, लेकिन लोगों को, आम जनता को भी चाहिए वो सच जो है वो बोले और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होके साथ निभाए। जी इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं राबिया खजूरिया दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।